जोहार, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं एडी लाइव। आप सभी एडी लाइव परिवार सदस्यों, सब्सक्राइबर और व्यूवर को 74वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। दोस्तों, हमारे देश को गणतंत्र तमाम महान नायकों के बलिदान के बाद मिला है। हमें उन बलिदानियों के संदेशों को मानकर और उन पर चलकर हमारे गणतंत्र को मजबूत करना चाहिए। देखते रहें एडी लाइव। पढ़ने से ही माँ सरस्वती खुश हो जाती है और उनको मुंह मांगा इनाम देती है। मुंह मांगा उनका हर चीज मनोकामना पूर्ण करती है। इसीलिए हर स्टूडेंट, हर एजुकेशन सेंटर इसका पूजा धूमधाम से मनाते हैं। श्रीमन क्लासेस, जिन्होंने हजारों लाखों बच्चे का भविष्य बना दिया, और वह सरस्वती पूजा इतना धूमधाम से मनाते हैं कि आज त्रिभुवन सर हमारे साथ है कि यह सरस्वती पूजा जो गणतंत्र दिवस के दिन हो रहा है, क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले तो माँ शारदे को नमन। इस दिन, आज का 26 जनवरी 74वां गणतंत्र दिवस पूरा राष्ट्र मना रहा है, और इस अवसर पर बसंत पंचमी, ये दोनों होने से इसका महत्व तो बहुत ही बढ़ गया है, क्योंकि इसके माध्यम से हम अपने जो पूर्वज, विशेष करके जो वीर बलिदानी जो शहीद हुए हैं, जिनके बलिदान से ये देश आज़ाद हुआ है, उनके दूरदर्शिता और उनकी सकारात्मक सोच से जिस हिंदुस्तान और भारतवर्ष का निर्माण हुआ है, हम माँ शारदे से यही विनती करते हैं कि हमें वैसी सद्बुद्धि और सुमति प्रदान करें कि जो भी राष्ट्र में विसंगतियाँ आ रही हैं, आपस में फूट, विरोधाभास, ये सब जो चीज़ें आ रही हैं, हम नास्तिकता की ओर बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं, पाश्चात्य संस्कृति हम पे हावी होती जा रही है, उसी के उन्मूलन हेतु और सनातन संस्कृति को अक्षुण बनाने में जो विद्यार्थी और युवा वर्ग की जो भूमिका है, ये बसंत पंचमी में ऐसे शैक्षिक संस्थानों का दायित्व तो और भी बढ़ जाता है। खास करके वसंत ऋतु जो है तमाम ऋतुओं में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बाद होली है, शिवरात्रि है, और यदि देखा जाए तो इस तरह से पूरा ही देश जो है, खास करके हमारा देश कृषि प्रधान देश है, अभी धान जो है कटा है, किसान भी खुश हैं, और इसी तरह से वसुधा हमेशा हरा भरा रहे, भारत का किसान समृद्ध होते रहे, और किसान का बच्चा एक अपने सपने को पूरा कर सके, उसके लिए माँ शारदे हम सबों को सामर्थ्य और शक्ति प्रदान करें कि हम युवाओं का, विद्यार्थियों का जो अपेक्षा है उस पर हम खरा उतर सके। ऐसी विनती हमारी श्रीमन क्लासेस की ओर से माँ शारदे के लिए है और पूरे जमशेदपुर के विद्यार्थियों की तरफ से है। देखिए, स्टूडेंट के पास ना उतना सामर्थ्य होता है, ना उतना समय होता है कि वो माँ सरस्वती की पूजा कर सके विधि विधान से। तो माँ सरस्वती उनको सिर्फ एक ही बोलती है कि तुम सिर्फ पढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बहुत भाग्यशाली बच्चे होते हैं कि जिनके माँ साक्षात सरस्वती उनके विराजमान हो जाती है उनके मस्तक में, और वही बच्चे, साधारण से बच्चे जो ABCD आ से और राष्ट्र के लिए निर्माण कर जाते, वही बच्चे कोई वैज्ञानिक बन जाते हैं, कोई बच्चे IPS बन जाते हैं, कोई बच्चे कॉरपोरेट बन जाते हैं। माँ सरस्वती का वह कृपा है कि आप पढ़ें और माँ सरस्वती आपके साथ है। एडी लाइव का वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। साथ ही आप सभी को मिल रहे अपार प्यार, सहयोग, उनसे भी ज्यादा धन्यवाद और आभार। एडी लाइव को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। देखते रहे एडी लाइव।